जय जगन्नाथ। अष्टम श्रेणीर समस्त श्रद्धेय छात्र छात्री मानू मो शिक्षा संजोग कार्यक्रम को स्वागत करुच्छे। तुमको शुभेच्छा और शुभकामना। पिलामाने आमे गत अध्याय रे आलोचना करिथिले कोषो झिल्ली एवं कोषो जीवक संबंध रे, तो वर्तमान तार किछिटा पुनरावृत्ति करिनेबा। पिलामाने तुमे एही कोषो को अनुध्यान कर। आमे अध्याय रे आलोचना करिथिले जे प्रत्येक कोषर तीनोटी मौलिक अंश अछि। प्रथमटी हैला कोषो झिल्ली एवं कोषो जीवक एवं न्यष्टि। पिलामाने तुम्हें एही कोषो को अनुध्यान कर। प्रत्येक कोषर बाह्य आवरण को कोषो झिल्ली कुहा जाए। तुम्हें देखिपारछो पिलामाने एही कोषो झिल्ली को एवं कोषर मध्यवर्ती अंशर थिबा अंश को न्यष्टि कुहा जाए। एवं न्यष्टि एवं कोषो झिल्ली मध्यरे रहिथिबा जेली भली अंश को कोषो जीवक कुहा जाए। एवं एथिरे विभिन्न प्रकार कोषो अंगिका देखा जाए। से गुड़िक होची माइटोकॉन्ड्रियन। पिलामाने तुम कोषो को अनुध्यान कर। से कोषो जीवक मध्यरे बहुत कोषो अंगिका रहिछि। सेमानक भितरे माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी बॉडी, राइबोसोम इत्यादि। एवं यहा परे भी आउरी बहुत कोषो अंगिका अछि जहा कि तुम्हें नवम श्रेणी रे विस्तृत भाबरे जानिबो। वर्तमान आमे जानिबा पिलामाने आउ गोटे कथा भी आमे आलोचना करिथिले कोषो झिल्ली आमर कोषो को आकृति प्रदान करिथाय। एवं गोटे कोषो को आउ गोटे कोषो ठारु अलगा करिथाय कोषो झिल्ली। एवं आउ गोटे कथा भी आमे आलोचना करिथिले पिलामाने आमर प्राणी कोषर बाह्य आवरण को कोषो झिल्ली कहा जाए। एवं उद्भिद कोषर भी कोषो झिल्ली थाए, किंतु उद्भिद कोषर कोषो झिल्ली पर अन्य एक अतिरिक्त आवरण रही थाए ताहाकु कोषो भित्ति कुहा जाए। वर्तमान तुम्हें अनुध्यान कर एही प्राणी कोष एवं उद्भिद कोष को। अच्छा आज आम आलोचना करिबा पिलामाने न्यष्टि। तो न्यष्टि होउछि जीवकोषर एहा होउछि मुख्य अंश। साधारण भाव एहा गोलाकार ओ कोषर केन्द्र रे अवस्थित। तुम्हें अनुध्यान कर पिलामाने एही कोष को माने आमर न्यष्टि जो जहा कि कोषर केन्द्र रे अवस्थित एहा को रंग रे रंजित कर अणुवीक्षण रे देखिए। न्यष्टि कोषो जीवक ठारु न्यष्टि झिल्ली द्वारा पृथक होइथाय। एही झिल्लीटी छिद्रयुक्त। एहा कोषो जीवक ओ न्यष्टि मध्यकु विभिन्न प्रदान विभिन्न पदार्थ आदान प्रदान करिथाय। अच्छा पिलामाने आगुरु आमे मध्य आलोचना करिथिले जेहेतु आमे कोषो को खाली आखिरे देखिपारिबा नाही। एवं सेहिपरि ठीक सेहिपरि आमे न्यष्टि को मध्य देखिपारिबा नाही, किंतु अणुवीक्षण यंत्र सहायतारे आमे एहाकु देखिपारिबा। तुममानकु मु जे चित्र सब देखौछि ताहा होछि सब अणुवीक्षण द्वारा संग्रह करा जायथिबा चित्र। अच्छा पिलामाने आउ गोटे कथा तुम्हें देख एही कोषो एही न्यष्टि को तुम्हें अनुध्यान कर। तार जो बाह्य आवरण को माने न्यष्टि झिल्ली कुहा जाए जहाँ कि देखो देखो ताहाकु इंग्लिश रे लिखाई सेल मेम्ब्रेन। एवं से न्यष्टि झिल्ली मधे बहुत छिद्र थाए। से छिद्र माध्यम रे तार पदार्थ को आदान प्रदान करा जाए। देखो पिले ना तार लिखाई न्यूक्लियर पोर लिखाई एवं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जोटा कि बाह्य आवरण। आउ गोटे कथा तुमको आउ गोटे कथा भी बारंबार कहे पिलामाने तुम्हें माने एही सब माने विज्ञान रो जेउ सब ओडिया रो इंग्लिश टर्म गुड़ा कि मने रखिबो जहाँ कि द्वारा तुम्हें जेते हायर क्लास जीवो जेते बेले कॉलेज रे पढ़िबो तुम पाई एते असुविधार सम्मुखीन होबाकु पड़िबो नाही। अच्छा पिलामाने वर्तमान तुम्हें एही न्यष्टि रो चित्र को टिके भल भाव अनुध्यान कर। देख ये न्यष्टि मध्यरे अन्य एक गोलाकार अंगिका देखा जाए। एहाकु कुहा जाए निन्यष्टि। इंग्लिश रे कुहा जाए न्यूक्लियोलस। एथिसहित न्यष्टि मध्यरे तुम्हें पुणी अनुध्यान कर। देख से न्यष्टि मध्यरे सूता भली थिबा अंश गुड़िक देखा जाउछि। सेही सूता भली थिबा अंश गुड़िक कुहा जाए गुणसूत्र बा इंग्लिश रे क्रोमोजोम। एगुड़िक गुणपिंड बा जीन बहन करंती। तो आमे वर्तमान आमे जानिबा ए जीन पुणी कौन। हाँ पिलामाने आउ गोटे कथा तुम्हें अनुध्यान कर। जेतेबेले बेले बेले किछि बापांकर आखि जदि चिला आखि होइथाय तो सेमानकर छुआ मानकर आखि मध्ये प्राय चिलालिया देखा जायथाय। आउ किछि माकर माने चुटी कुंचुमुचिया देखा जायथाय तो से छुआ मानकर चुटी भी कुंचुमुचिया देखा जायथाय। आउ किछि क्षेत्र रे पिलामाने बापा माकर मुह जेंति से छुआ मानकर मुह भी देखिबाकु सेहि परि होइथाय। आउ किछि किछि क्षेत्र रे एहा भी देखा जायछि जो बापा माने भीषण रागी होइथान्ति सेमानकर छुआ भी किछि मात्र
मात्रा रे रागी होई थांती। तो ए सब गुण माने जो आमर जो माने बापा मां को ठारु छुआ को पाख को बापा मां को गुण आसी थाए। तो से ही गुण को किए तो एथि पई सो जीन होची गोटिए पीढ़ी रु परवर्ती पीढ़ी को संचरित करथे। ए सब जते गुण सब तमान को कहली बापा मां को ठारु जो छुआ मान को पापा को आसी थाए तो ए सब जीन गोटिए पीढ़ी रु परवर्ती पीढ़ी को संचरित होई थाए। एवं कोष विभाजन बेले गुणसूत्र स्पष्ट देखि हुए जेतेबेले आमर जेतेबेले कोष विभाजन हबो मु कहिथिली आमर प्रथमे प्रत्येक जीव गोटिए कोष रु सृष्टि होई थाए। एवं जेतेबेले से गोटिए कोष पुनी विभाजन होई कि दुईटी कोष होई थाए दुईटी कोष रु पुनी चारोटी कोष एमिति विभाजन हेई हेई आमर जो शरीर रो वृद्धि होई थाए। तो जेतेबेले कोष विभाजन हुए सेई समय रे गुणसूत्र गुडीक स्पष्ट देखा जाए। आउ जीन वंशगतिर एकक अटे। पिलाने मन रख जीन होची वंशगतिर एकक। एहा जीवर विभिन्न लक्षण परिप्रकाश पाई दाए। जदि तुम पितांकर चिलाखी होइथाय तुमठारे मध्य सेई लक्षण प्रकाश पाइबो। एवं तुम बोंकर जदि कुंचुकुंचिया केश थाए ताहाले तुमे मध्य कुंचुकुंचिया हेबार संभावना रहिछि। एपरिकि पितामातांकर जीन भिन्न भिन्न विन्यास फळरे विभिन्न गुण पितामातांक ठारु छुआक पाखकु आसिथाय। हाँ आउ गोटे कथा मध्य पिले मने रखि था किछि आमर रोग माने बाप माने जोटा कि वंशगत रोग होइथाय तो एही माध्यम रे भी माने बापा मांक ठारु छुआ पाखकु आसिथाय। आउ गोटे कथा आमे देखिबा तो आमे तो जानिले जीन वंशगतिर एकक अटे। एहा जीवर विभिन्न लक्षण र प्रकाश पाई दाई। जदि तुम पितांकर चिलाखी होता है तुम मानकर भी चिलाखीर संभावना रही। आपरिक पितामाता जीन भिन्न भिन्न विन्यास फल भिन्न भिन्न गुण प्रकट होता है। वंशगति में न्यष्टिर भूमिका रही। तो यूर आम जाणिले पे न्यष्टिर गोटे मुख्य कार्य है वंशगति में न्यष्टिर भूमिका रही। कोषर विभिन्न कार्य नियंत्रण केन्द्र अटे। एक जीवंत कोषरे थिबा समस्त पदार्थ को आदिप्ररस बा प्रोटोप्लाज्म कहा जाए। यह कोष जीवक और न्यष्टि को नहीं गठित हुए। आदिप्ररस होची कोषर जीवंत पदार्थ। तो वर्तमान आम जाणिले पाने आमर न्यष्टि मध्य न्यष्टि माने न्यष्टि भितर अन्य एक गोलाकार अंश रही कहुए निन्यष्टि न्यूक्लियोलस। एवं ताहासह आमर न्यष्टि भितर रही जो सूतावलिया अंश गुड़ाक क्रोमोजोम रही। तुम ये चित्र को अनुध्यान कर पाने तो क्रोमोजोम भितर आउ एक पदार्थ रही जहाँ को डीएनए कहुए। तुम से हायर क्लास को गले जान देख मानते क्रोमोजोम पुणि डीएनए एवं डीएनए रुणी डीएनए को ने माने डीएनए भितर रही है जीन। एवं जहाँ को कि तो यूर आम जाणिले माने माने तो ये आम सब जिते गुड़े सब गुण गुड़ाक सब रही। तो से गुड़ी आमर जीन तार कार्य करें पितामाता तार सब गुण को माने छुआ पाखक से जीन ही बहन करें। आउ पा मैंने आउ गोटे कथा आम जाणिले तो माने माने आमर न्यष्टि होची माने वंशगतिर निहाति भूमिका वंशगतिर न्यष्टिर भूमिका माने अत्यधिक मात्रा रे रही। एवं जो कोषर जीवंत अंश आम जाणिले कौन माने कोषर तीनोटी मौलिक अंश कही तीनोटी मौलिक अंश भितर कोष झिल्ली कोष जीवक एवं न्यष्टि। तो ताने कोष झिल्ली को छाड़ा पर आमर रहा कोष जीवक एवं न्यष्टि। तो ये कोष जीवक एवं न्यष्टि को मिसेक कहुए प्रोटोप्लाज्म बा आदि प्ररस। एवं प्रोटोप्लाज्म बा आदि प्ररस हूँ कोषर जीवंत अंश। तो वर्तमान पिलाने आमे जानिबा आमर ये जो न्यष्टि झिल्ली को आधार करी आमर माने कोष को दुई प्रकार श्रेणी अंतर्भुक्त करा जाए। पिलाने माने न्यष्टि झिल्ली को आधार करी साधारणत कोष मानकु दुईटी श्रेणी में अंतर्भुक्त करा जाए। गोटे है प्राक न्यष्टिय कोष बा प्रोकैरियोटिक सेल एवं सुन्यष्टिय कोष बा यूकैरियोटिक सेल। अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल जहाँ कि माने साधारणत माने प्राक न्यष्टिय कोष से मानकर कोष झिल्ली नथाय। एवं तार
माने कोष कोषर कोष कोष भितर जहाँ सब तार अंश गुड़ाक माने कोष झिल्ली बिना कोष झिल्ली थाए पे तुम मैंने चित्र को देख बर्तमान यह हूँ एक माने प्राक नष्टीय कोष तार उदाहरण रहा आम बीजाणु एवं नीलहरित शैवाल बर्तमान आउ जो कोषर कोष झिल्ली रही थाए कोष झिल्ली सरी जो कोषर न्यष्टी झिल्ली रही थाए तो से ही कोष को सुन्यष्टीय कोष कहुए यूकारियोटिक सेल तो आमर साधारणत पियाज गालमुणार कोष तो आमर जिते सब माने हायर प्लांट्स आउ एनिमल माने एनिमल अच्छी तो से मानकर समस्त सुन्यष्टीय कोष यही चित्र को अनुध्यान कर पे बर्तमान तुम देख प्राक नष्टीय कोष आउ सुन्यष्टीय कोष मध्य पार्थक्य कौन रही पिला माने वर्तमान आज अध्याय शेष वर्तमान होची तुम मानक प्रश्न हाँ पिला माने गत अध्याय मु तुम मानक तीनोटी प्रश्न पचारी सार उत्तर कमेंट बॉक्स रे लिखि जनवाई कही मु अत्यंत खुशी तुम्हें शताधिक छात्र छात्री से समस्त प्रश्नर उत्तर सठिक भाव लिखिच आउ तुम्हें व्यस्त होवार कौन सी कारण ना परवर्ती अध्याय तुम मानकर नाम घोषणा करा किंतु आज आम से प्रश्नर उत्तर को जाणि रखा हाँ पिला माने आमे प्रथम प्रश्न थिला कोषर मौलिक अंश गुड़िक कौन तार उत्तर कोष झिल्ली कोष जीवक और न्यष्टि एवं द्वितीय प्रश्न थिला कोष जीवकर बाह्य आवरण को कौन कहुए तो कोष जीवर बाह्य आवरण को कहुए कोष झिल्ली एवं तृतीय माइटोकॉन्ड्रियन कोषर केउ अंशर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रियन कोषर जीव कोष जीवक भितरे माइटोकॉन्ड्रियन देखा जाए यह थिला तुमर तीनोटी प्रश्नर तीनोटी उत्तर तो वर्तमान पिला माने आजिरो प्रश्न आजिरो प्रश्नर उत्तर मध्ये तुम्हें माने ठीक से परि भाबरे कमेंट बॉक्स रे लेके जणाइबो निश्चित रूपे परवर्ती अध्याय रे तुम मानकु उत्साहित करा जिवो हाँ पिला माने आउ जदी तुम मानकु किछि अबुझा रहउछि ताहा भी तुम्हें कमेंट बॉक्स रे लेखि जणाइबो वर्तमान आजिरो प्रथम प्रश्न कोषर केन्द्र गोलाकृति गाढ़ अंशटीर नाम कौन पुणी थे कहूँ कोषर केन्द्र गोलाकृति गाढ़ अंशटीर नाम कौन एवं द्वितीय प्रश्न न्यष्टिटी कहा द्वारा कोष जीवक पृथक हो रही है न्यष्टिटी कहा द्वारा कोष जीवक पृथक हो रही है तृतीय प्रश्न न्यष्टि मध्य देखा जाता अन्य गोलाकार अंगीकार नाम कौन न्यष्टि मध्य देखा जाता अन्य गोलाकार अंगीकार नाम कौन एवं चतुर्थ प्रश्न जीन को किए बहन करे एवं पंचम प्रश्न केउ केउ कोषर न्यष्टि चारिपाखे झिल्ली न थाए केउ केउ कोषर न्यष्टि चारिपाखे झिल्ली न थाए एवं मोर संपूर्ण आशा और विश्वास तुम्हें यह प्रश्नर सठिक उत्तर कमेंट बॉक्स रे लिखि जणाइब वर्तमान पिला माने तुम मानक काम यही कार्य फर्दरे जेदाय दिया जाइतिबा समस्त प्रश्न को सठिक भावरे पढ़िबो एवं तार उत्तर सठिक भावरे लेखिबो हाँ पिला माने आउ गोटिए कथा तुम्ही माने बहुत मात्रा रे वीडियो टी को देखुछ किंतु सही मात्रा रे लाइक करुनो आउ वर्तमान तुम्हें समस्ते जो मैंने तुमको भिडटी को भल लगी वर्तमान तुम्हें समस्ते लाइक करनियो आदि किसी अबुझा लगुच क्यों अंशटी तुमको अबुझा लगे ताखिनि कमेंट बॉक्स रे एवं जदि सब्सक्राइब करन थाओ जदि तुम मानक सब्सक्राइब बटन रेड कलर अच्छी तेल निश्चित रूपे तुम्हें सब्सक्राइब करनियो जहाद्वारा कि सब्सक्राइब कलापर एवं बेल आइकन को प्रेस करने को भूलना कारण परवर्ती भिडर सूचना तुम पाखकु अति शीघ्र आसिबो सेथिपई रहुछि आजिर अध्यायटी संपूर्ण होइछि अनेक अनेक धन्यवाद जय जगन्नाथ।